आज ही घर में फंक्शन और मैं रहूंगी पूरा दिन बिजी। सुबह 6 बजे उठती मैं निकल गई वॉक पे और फिर इन गुरु नानक जी की रैलियों से निकलकर हम पहुंच गए मार्केट, क्योंकि मेरे भाई को एंड में याद आता है कि हमारे घर में फंक्शन है और उसे कपड़े भी खरीदने हैं। मुझे हो रहा था लेट क्योंकि हेयर वॉश भी करना था और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फंक्शन के दिन मेरे बालों ने सपोर्ट किया है और अच्छे लग रहे हैं, पर कुछ गड़बड़ तो होनी थी। तो फिर ये कान के टॉप्स अंदर जा नहीं रहे थे, बड़ी मुशक्कत से इन्हें मैंने अंदर तो डाला और फिर आप सबकी कृपा से मैंने ये भी सेलेक्ट कर दिया कि मुझे क्या पहनना है। अब ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताओ। ये पहनकर हम निकल गए उस घर में जहाँ पे ओपनिंग थी और पिछली बार की गलती से बिना सीख लिए हुए मैंने चप्पल को उतार दिया बीच में। फिर हमने पूजा करी, गृह प्रवेश किया और मुझे बीच में लग रही थी बहुत सारी भूख, तो मैं तो निकल आई दावत पे। यहाँ पे बहुत कुछ था पर मुझे सिर्फ हेल्दी खाना था क्योंकि वेट गेन चैलेंज चल रहा है। अब आप लोग जज मत करना कि यार ये पूजा के बीच में खाने निकल आई है, पर पंडित जी खुद ही कहते हैं कि बिना पेट पूजा के तो पूजा भी नहीं होती। फिर खा पी कर हम आ गए वापस पूजा पे और यहाँ पे बताया गया ओम बोलने का सही तरीका। अब कल से मेडिटेशन में यही यूज करूंगी। फिर बीच में मैं घर आ गई अपने कुत्ते को देखने क्योंकि इसके रोने की आवाज आ रही थी। इसको आदत नहीं है ना घर पे अकेले बैठने की। फिर मैं आई गई थी तो मैंने अपना रूम सेट कर दिया ताकि मैं जब लौटूं तो मुझे डायरेक्टली सोने के लिए जगह मिल जाए। फिर रूम साफ कर ही रही थी कि वहां से फोन आया कि माता की स्थापना होने वाली है और हमारा परिवार ना बहुत बड़ा माता रानी का भक्त है, तो स्थापना के टाइम पे ये मिरर दिखाया। मुझे कमेंट करके बताओ कि मिरर क्यों दिखाया जाता है माता की स्थापना पे। फिर हमने बजे इतनी सारी ताली कि बहुत ज्यादा थक गई और मैं चली आई घर। तो घर आकर मैं बाल सुलझाने लगी क्योंकि हेयर ग्रोथ चैलेंज चल रहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल खराब हो जाए। फिर मुझे लग रही थी बहुत ज्यादा भूख क्योंकि मेरी भूख बहुत ज्यादा है। तो फिर हम लोग आ गए लंच खाने। लंच में मैंने पनीर की सब्जी ली थी बट मैंने पनीर नहीं लिया क्योंकि मैं वीगन हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि पीसेस किसी को कम पड़ जाए, उसके चक्कर में दोबारा पनीर मंगाना पड़े, तो मैंने पनीर नहीं खाया। और मैंने साथ में ना रसगुल्ला भी लिया था बट मैंने वो रसगुल्ला खाया नहीं, मैंने आधा खुद खाया और आधा अपने कुत्ते को खिला दिया था। और फिर सलाद बहुत सारा खाया क्योंकि बाहर का है ना, घर में तो कुछ आता नहीं है। और फिर आ गई फाइनली मैं अपने कम्फर्ट जोन में और आकर के कजन्स के साथ सोई और अपने कुत्ते के साथ भी सोई। वहाँ पर मुझे पता चला कि यार मेरे कजन्स ना खराटे बहुत मारते, तो फिर मुझे दोबारा कुत्ते के साइड मुंह करके सोना पड़ा। पर मेरे कुत्ते को चिपक के सोना पसंद ही नहीं है, तो फिर मैं अपने बच्चों को खिलाने चली गई पर मेरे कुत्ते ने मेरे कजिन को बैठने ही नहीं दिया कार में। वो इतना ज्यादा पागल हो गया तो मुझे घर पे ही छोड़ के ना कुत्तों को खिलाने के लिए आ गए। और फिर मुझे इतना ज्यादा नींद आ रही थी क्योंकि मैं खराटों के चक्कर में सो नहीं पाई थी और हेडेक भी बहुत हो रहा था, पर सोना था नहीं तो इसलिए मैंने सोचा कल की वीडियो ही एडिट कर दूं। तो मैंने कल की वीडियो एडिट की और ये महारानी ना मेरे पैरों पे सोकर मुझे जखा रही थी, मतलब कि ना चिढ़ा रही थी कि मैं बिना काम किए खाती पीती सोती हूँ और तुम इतना सारा काम करती हो, इतनी नींदे हराम करती हो, उसके बाद भी तुमको कुछ एक्स्ट्रा मिलता नहीं है। पर इसे कौन समझे कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ताकि ये आराम से सो सके। फिर बारी थी उस घर जाने की और फिर जब बाहर जा रही थी तो मुझे मून के आसपास बड़ा सा सर्कल दिखा, बहुत मस्त लग रहा था। और फिर वहां पे गई तो खाने की तैयारी चल रही थी और मुझे लग रही थी बहुत ज्यादा भूख, पर यहाँ पे इन लोगों की पार्टी चल रही थी और मैं कुछ अनहेल्दी खा नहीं सकती थी, तो मैंने फिर सलाद ही खाया क्योंकि वहाँ पे कुछ और हेल्दी में था नहीं। और फिर हेल्दी में आया कचालू और मैं कचालू खाती नहीं हूँ बट वहाँ पे मुझे कचालू भी अच्छा लग रहा था क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही थी और इनकी पार्टी नहीं खत्म हो रही थी और मैं यहाँ पे बोर हो रही थी। अब इन्हें लगता है मैं एंजॉय नहीं करती, पर इन्हें कैसे बताऊं कि लाउड एंजॉयमेंट मेरे टाइप का है ही नहीं। पर इन्हें कैसे समझाऊं कि जिन्हें ये एंटरटेनमेंट कहते हैं वो मेरे लिए सबसे बड़ा टाइम वेस्ट और बोरियत है। तो मैं फटाफट से मुझे खाना वाना खाई, निकली घर में आके वीडियो शूट किया, अफर्मेशन फटाफट से लिख के सोई था कि मुझे वहां से कॉल ना आए कि तुम दोबारा यहाँ पे आ जाओ।